दोस्तों, आपने देखा होगा कि उत्तर प्रदेश राज्य पर आज सुबह से ही मौसम साफ और शुष्क बना हुआ है और अच्छी खासी धूप खिली हुई है। उत्तर पश्चिमी हवाएं लगातार बह रही है, तो इस तरह का मौसम देखकर आपको बिल्कुल नहीं लग रहा होगा कि उत्तर प्रदेश में आज रात्रि से मौसम बिगड़ने वाला है और 29 जनवरी की सुबह कई इलाकों में बारिश की गतिविधियाँ देखने को मिलेगी। और ये जो उत्तर पश्चिमी हवाएँ चल रही हैं, ये भी दोस्तों कल तक पूर्वी हवाएं जो है वो चलने लगेंगी। जितनी रफ्तार से उत्तर पश्चिमी हवाएं चल रही हैं, इतनी ही रफ्तार से पूर्वी हवाएं आपको कल सुबह को देखने को मिलेगी, यानी कि चलती हुई आपको मिलेगी। खासतौर से पश्चिमी भागों पर बादल रहेंगे और कई इलाकों पर बारिश की गतिविधियां जो है वो देखने को मिलेगी। तो नमस्कार, मेरा नाम है अरविंद दामा और आप सभी का स्वागत है उत्तर प्रदेश वेदर फोरकास्ट पर। दोस्तों, आइए रिपोर्ट पर एक नज़र डालते हैं और देखते हैं कि किन किन मौसमी सिस्टमों के कारण उत्तर प्रदेश में आज रात्रि से मौसम बदलने वाला है। जैसा कि दोस्तों आप यहाँ पर मॉडल में देख पा रहे हैं, तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो है उत्तर प्रदेश में आज मौसम जो है साफ और शुष्क बना रहा। और अब होने क्या वाला है कि दोस्तों, भारत के पहाड़ी राज्यों पर यहाँ पर आप जैसे कि देख पा रहे हैं, नया पश्चिम विक्षोभ का कुछ एरिया जम्मू कश्मीर के भागों पर आज रात्रि में ये पहुंचने वाला है और इसके यहाँ पर पहुंचते ही जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड पर बारिश शुरू हो जाएगी। और जब ये यहाँ पर पहुंचेगा तो यहाँ पर राजस्थान के भागों पर एक सर्कुलेशन बन जाएगा। और दोस्तों, जब यहाँ पर सर्कुलेशन बनेगा, अब फिलहाल जो है हवाएं उत्तर प्रदेश के भागों पर देखिए इस तरह से बह रही है, यानी कि यहाँ से आ रही है, उत्तर पश्चिमी हवाएं चल रही हैं। लेकिन जब ये यहाँ पर सर्कुलेशन बन जाएगा, ये सर्कुलेशन बनते ही ये जो हवाएं हैं ये यहाँ से इस तरह से घूमनी शुरू हो जाएंगी और ये हवाएं यहाँ से इस तरह से होती हुई इस तरह से घूमेंगी, यानी कि यहाँ से ऐसे होते हुए उत्तर प्रदेश के भागों पर, यानी कि इधर से जो है वो बहना शुरू हो जाएगी। जब ये इधर से बहना शुरू हो जाएगी तो ये हवाओं का रूप बदल जाएगा, पूर्वी हवाएं बन जाएंगी। अब पूर्वी हवाएं बनते ही तो देखिए यहाँ से अरब सागर से भी हवाएं आएंगी, ये थोड़ा सा पश्चिम विक्षोभ भी आगे आ जाएगा। यानी कि दोस्तों, इस तरह जो है मौसम देखे ये आज रात्रि में ही बदलने वाला है। यानी कि इतना इस तरह का जो मैं आपको ये बता रहा हूँ, ये इतना मौसम आज रात्रि में ही जो है बदल जाएगा यहाँ पर। इन्हीं के कारण जो है उत्तर प्रदेश के भागों पर कल से जो है हमें कल से क्या बल्कि दोस्तों आज रात्रि से ही पश्चिमी उत्तर प्रदेश के खास तौर से कई भागों पर बादल छाना शुरू हो जाएंगे। और जैसा कि आप मॉडल में देख भी पा रहे हैं, ये आज रात से और कल का जो है ये मॉडल है, यानी कि संडे लिखा हुआ है यहाँ पर, तो इसमें आप देख भी पा रहे होंगे, तो देखिए किस तरह से बारिश उत्तर प्रदेश के भागों पर यहाँ पर पहुँच रही है। तो इसके इन मौसमी सिस्टमों के कारण ही आज रात से पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई भागों पर बादल छाएंगे, कई भागों पर जो है बारिश की गतिविधियाँ शुरू हो जाएंगी। और जैसे ही आप कल जो है उठेंगे, तो आपको सोकर उठेंगे 29 जनवरी की सुबह को, तो आपको पूरी तरह से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मौसम बदला हुआ पाएगा, कई इलाकों पर बारिश की गतिविधियाँ वो देखने को मिलेगी। तो आइए IMD की रिपोर्ट पर एक नज़र डालते हैं और देखते हैं कि उत्तर प्रदेश के किन किन जिलों पर जो है कल से मौसम बदलने वाला है और बारिश होने वाली है। 29 जनवरी की दोस्तों, जैसा कि आप रिपोर्ट देख पा रहे हैं, तो देखिए 29 जनवरी में उत्तर प्रदेश के, जैसा कि मैंने आपको बताया कि देखिए अलीगढ़, आगरा, फिरोजाबाद, हाथरस, मथुरा, मैनपुरी, यहाँ पर आज रात्रि में ही बादल पहुँच जाएंगे। हो सकता है कि इन जिलों के कुछ भागों पर बारिश की गतिविधियाँ आज रात से ही शुरू हो जाए। और यहाँ से सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर, बागपत, मेरठ, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, पीलीभीत, शाहजहाँपुर, फर्रुखाबाद, कासगंज, बदायूं, बुलंदशहर, गौतम बुद्ध नगर, अलीगढ़, मथुरा, यहाँ पर इन सभी जिलों पर जो है सुबह से बादल जो है वो देखने को मिलेंगे। इन जिलों के कई भागों पर बारिश की गतिविधियाँ देखने को मिलेगी। कुछ जिलों पर हल्की से मध्यम बारिश होगी, कुछ जिलों पर मध्यम से तेज भी होगी, कुछ जिलों पर सिर्फ बादलों की ही आवाजाही रहेगी। और हो सकता है कि इन जिलों के कुछ इलाकों पर ओलावृष्टि जैसी भी गतिविधियां देखने को मिल जाए। और दोस्तों 29 जनवरी की जैसे जैसे हम आगे की तरफ बढ़ेंगे, यानी कि 29 जनवरी की शाम या रात्रि के समय ये बादल इस तरह से उत्तर प्रदेश के भागों पर आगे की तरफ पहुंचेंगे, यानी कि हरदोई, लखनऊ, बाराबंकी, अमेठी और अयोध्या, प्रतापगढ़, यहाँ तक ये बादल इस तरह से आगे की तरफ मूव करते चले जाएंगे और आगे की तरफ यहाँ पर बारिश की जो है वो स्थिति यहाँ पर बननी शुरू हो जाएगी। तो दोस्तों यहाँ पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश के देखिए कई जिलों पर
इसमें सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर, बागपत, मेरठ, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, अलीगढ़, आसपास के भागों पर यहाँ पर हवाओं की रफ्तार सामान्य से जो है वो अधिक देखने को हमें मिलेगी, खासतौर से दोपहर के समय। तो यहाँ पर हवाओं की रफ्तार जो है वो अधिक देखने को मिलेगी। और पूर्वी उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो देखिए, कल पूर्वी उत्तर प्रदेश में वैसे तो जो है मौसम जो साफ ही रहेगा, तो हालांकि कुछ भागों पर हल्के बादल आते जाते देखने को मिल सकते हैं, लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया कि 29 जनवरी की जैसे जैसे हम आगे की तरफ बढ़ेंगे, दोपहर होगी, शाम होगी, तो यहां पर भी जो है वह बादल पहुंचना शुरू हो जाएंगे और इन जिलों के भी, पूर्वी उत्तर प्रदेश के भी जिलों पर बारिश की गतिविधियाँ कहीं कहीं पर जो है वो देखने को मिलेगी। आइए एक नज़र अब हम 30 जनवरी की रिपोर्ट पर भी डालते हैं और देखते हैं कि किस तरह का मौसम उत्तर प्रदेश पर जो है मौसमी सिस्टम के कारण हमें नज़र आ रहा है। जैसा कि दोस्तों आप यहां पर 30 जनवरी की रिपोर्ट देख पा रहे हैं, तो देखिए 30 जनवरी में भी उत्तर प्रदेश के सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर, बागपत से लेकर और मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, पीलीभीत और यहाँ पर ललितपुर, झांसी और कानपुर, कानपुर देहात और हमीरपुर बांधा, महोबा और बुंदेलखंड के जो इलाके हैं इनमें बांदा, चित्रकूट, फतेहपुर, महोबा और प्रयागराज यहाँ पर भी, और इसके अलावा वाराणसी, चंदौली और यहाँ पर इसके साथ साथ लखनऊ, हरदोई, फर्रुखाबाद, शाहजहाँपुर, अलीगढ़, मथुरा, बरेली यहाँ पर भी जो है वो बादल देखने को मिलेंगे। तो इन जिलों के कुछ भागों पर यहाँ पर जो है वो बारिश की संभावनाएं हमें 30 जनवरी में नज़र आ रही है। तो यहाँ पर दोस्तों अगर 31 जनवरी की अगर हम बात करें तो देखिए 31 जनवरी से ये मौसमी वेदर सिस्टम आगे निकल जाएगा, उत्तर प्रदेश के ज़्यादातर भागों पर मौसम साफ होना शुरू हो जाएगा, फिर से उत्तर पश्चिमी हवाएं उत्तर प्रदेश के भागों पर बहना शुरू हो जाएगी और अगले आने वाली 5-6 फरवरी के दौरान भी उत्तर प्रदेश पर मौसम साफ ही बना रहेगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतनी जानकारी, एक नई जानकारी के साथ आप सभी दोस्तों से फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।